समयबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ा करके जब पूरा भवन आपका बन जाएगा तो उसके बाद आप आसानी के साथ अपने नए भवन में जाइए और पुराने जर्जर भवन को, अगर वह हेरिटेज बिल्डिंग नहीं है तो जो लोग बाहर हैं वे अंदर आ सकते हैं, भीगे मत अंदर आ सकते हैं, अंदर आ जाए बीच बीच में कहीं इकट्ठे हो जाए। तो जर्जर भवन को अगर वह हेरिटेज बिल्डिंग नहीं है तो उसको हटा करके, और अगर हेरिटेज बिल्डिंग है तो उसको फिर से प्रशासन के साथ संवाद बना करके उसके रख रखाव की व्यवस्था हो, उसकी सुरक्षा के लिए भी उस प्रकार के उपायों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अब शासकीय सहायता प्राप्त शासकीय इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था दी है। उसने व्यवस्था दी है कि 75% पैसा सरकार देगी और 10-25% पैसा प्रबंधन लगाए। इसमें वे सीएसआर से भी, विधायक निधि से भी, सांसद निधि से भी पैसा ले सकते हैं और उस पैसे का उपयोग वे सबसे पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अच्छे बिल्डिंग बनाने में करें, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाने के लिए उसका उपयोग करें, जिससे अच्छे विद्यालयों का निर्माण किया जा सके और वे लोग उसके माध्यम से उनके एक अच्छा भवन हम दे देंगे। तो भवन अच्छा हो तो स्वाभाविक रूप से कोई भी खतरा फिर नहीं, हम उसमें स्मार्ट क्लास भी दे सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी दे सकते हैं, अच्छी लेबोरेटरी स्थापित कर सकते हैं, अच्छे कार्यक्रम उसके माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज प्रदेश भर के पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ यहां से हो रहा है, जिसमें 69 विद्यालय तो अकेले गोरखपुर मंडल के हैं जिनको पैसा जारी हो रहा है।